आज अंबाला आ रहा है गेम चेंजर राफेल। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत का बाहुबली यानी राफेल आज भारत आ रहा है। दोपहर में 5 विमानों का पहला बेड़ा आज दोपहर हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर उतरेगा, जिसके मद्देनजर पुलिस ने सैन्य अड्डे के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। 5 राफेल लड़ाकू विमानों को रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया मौजूद रहेंगे। राफेल के अंबाला में आज लैंडिंग के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और फोटोग्राफी से लेकर घर की छतों पर लोगों की मौजूदगी को बैन कर दिया गया है। जब राफेल विमान की लैंडिंग अंबाला में होगी तो पानी की बौछारों से इन्हें सलामी दी जाएगी। अंबाला में चप्पे चप्पे पर है सुरक्षा बलों की नजर। 4 गांवों में धारा 144 लागू। अधिकारियों ने बताया कि इन विमानों में 1 सीट वाले 3 और 2 सीट वाले 2 विमान होंगे। अधिकारियों ने अंबाला सैन्य अड्डे के आसपास निषेधाज्ञा जारी कर तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने पहले बताया कि अंबाला जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा जारी कर सैन्य अड्डे के 3 किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगा दी है। धूलकोट, बलदेव नगर, गरनाला और पंचखोरा सहित सैन्य अड्डे से लगे गांवों में 144 लागू कर 4 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी राफेल ताकत से कैसे उड़ेंगे दुश्मनों के होश। राफेल हवा से जमीन पर मार वाली स्केल मिसाइल है। 150 किलोमीटर के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमले कर सकता है। ये लड़ाकू विमान परमाणु आयुध का इस्तेमाल करने में सक्षम है। राफेल विमान 2 इंजनों वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। राफेल 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम है और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी भी है। राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। ले जैसी जगहों पर काफी ठंडे मौसम में भी लड़ाकू विमान तेजी से काम कर सकता है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2,130 किलोमीटर घंटा है और इसकी मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक की है। जनपद संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर 8 का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज जनपद संभल की सदर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एग्रेस तिराहे के पास गैंगस्टर 8 में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए। इस विषय में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि सदर कोतवाली पुलिस को मुठभेड़ से सूचना मिली कि एक अपराधी बाइक पर सवार होकर एग्रेस तिराहे की तरफ से गुजर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके इसे रोकने का प्रयास किया तो आकिल नाम के गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आकिल नाम का अभियुक्त भी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि इसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश के लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। जबकि घायल पुलिसकर्मी और मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त से अवैध शस्त्र तथा बाइक भी बरामद हुई है। ये एग्रेस तिराहा के पास में आज चेकिंग चल रही थी यहाँ पे जनपद संभल में, और इसमें सूचना मिली कि एग्रेस तिराहा के पास में एक अपराधी आ रहा है। इस पर घेराबंदी की गई, उसको रोकने का प्रयास किया गया, तो इसमें पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और एक अपराधी घायल हुआ। उसका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा, उसकी तलाश कॉम्बिंग जारी है। और जब ये बाद में पता किया गया तो ये आकिल सनाफ छोटू मदाला का रहने वाला गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी था। यह सच में लगातार ये अपराध कर रहा था। अभी इसको हॉस्पिटल भेजा गया है और कांस्टेबल को भी हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी इसके साथ ही कॉम्बिंग जारी है। इस क्षेत्र में जितने अपराधी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी लगातार। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़, गैंगस्टर के वांछित बदमाश को लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल। जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के सकतपुर गांव के चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश शमीम पुत्र कल्लू गोली लगने से घायल हो गया। वहीं एक सिपाही त्रिवेंद्र पवार भी गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि उसका दूसरा साथी विशाल पुत्र लड्डन निवासी मंसूरपुर माफी मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ के बाद घटना स्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने घायल बदमाश से पूछताछ की तो जानकारी हुई कि गिरफ्तार किए गए बदमाश गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी है। मुठभेड़ हुई है सर, क्या मामला है? ये आज असमोली थाना क्षेत्र में असमोली चेकिंग कर रहे थे सकतपुर तिराहे पे, दो बदमाश जो है मोटरसाइकिल से आते हुए संदिग्ध रूप में दिखे, इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये पुलिस पर फायर करके जो है भागे। पुलिस से इनकी जो है मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश जो है समीम और कल्लू ये मंसूरपुर माफी का रहने वाला है घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। एक सिपाही को भी गोली लगी है हाथ में, उसको भी इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है, विधिक कार्रवाई। क्या बरामद हुआ है इनके पास? ये एक मोटरसाइकिल है, तमंचा है और ये कारतूस है कुछ जो है जो बरामद हुए हैं।
अभी वाहन चेकिंग के दौरान एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी आ रहे हैं। उसको फतेहपुर सकतपुर रोड पर रोकने का प्रयास किया गया असमौली थाना क्षेत्र में। उन्होंने पुलिस पर फायर किया और जिसमें हमारा एक कांस्टेबल तेजेंद्र घायल हुआ है और इसी काउंटर फायरिंग में एक अपराधी शमीम को गोली लगी है। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जब इनके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि ये गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी थाना असमौली से था और ये क्षेत्र में लगातार अपराध कर रहा था। इसका एक साथी अभी मौके से फरार है, जिसके लिए अभी कॉम्बिंग जारी है, क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है और मुठभेड़ के दौरान शमीम गिरफ्तार हुआ है और इसके पास से एक मोटरसाइकिल और तमंचे बरामद हुए हैं, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसके आधार पर मुकदमा लिख के विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रेनी आईपीएस और युवक बने प्लाज्मा डोनर। मुरादाबाद में कोरोना से जंग जीतने वाले एक ट्रेनी आईपीएस ने पीएमयू में बने प्लाज्मा बैंक में अपना प्लाज्मा डोनेट करके एक शुरुआत कर दी है। उनके प्लाज्मा से अब जो कोरोना संक्रमण से गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। मुरादाबाद मंडल में बने एक लोता प्लाज्मा बैंक में दो डोनर ने पहुंचकर प्लाज्मा डोनेट करके पीएमयू के प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर दी। दरअसल मुरादाबाद की हिमगिरी कॉलोनी निवासी गौरव त्यागी 2019 बैच के आईपीएस है और वे इस समय हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं और पिछले दिनों दिल्ली से लौटते हुए संक्रमित हो गए थे। वो 28 जून को संक्रमित आए, उन्हें इलाज के लिए पीएमयू में भर्ती कराया गया था। इस बीच उन्होंने ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स की मेहनत को देखकर ठान ली थी कि ठीक होने पर वो अपना प्लाज्मा दान करके मानव और समाज सेवा जरूर करेंगे। इसी तरह मुरादाबाद के ही सतीश कुमार नाम के व्यक्ति ने भी अपना प्लाज्मा डोनेट करके दो लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है। इस समय इन दोनों डोनर ने अपना प्लाज्मा दिया तो वहाँ मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ ने तालियां बजाकर इनका स्वागत किया। ट्रेनी आईपीएस गौरव त्यागी ने आगे बढ़कर कहा कि वो और लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित जरूर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं कटघरे सिमन हजारी का रहने वाला हूँ। मैं कोविड-19 पेशेंट रह चुका हूँ। मुझे पता लगा है कि मेरे प्लाज्मा से और मरीज भी सही हो सकते हैं, तो मैं अपनी सुरक्षा से अपना प्लाज्मा डोनेट करने आया हूँ जिससे और मरीजों की जान बच सके। मैं प्लाज्मा दे चुका हूँ, मुझे एक घंटा हो चुका है और मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमारे टीएमयू में बहुत शानदार सुविधा है, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो आप भी जो भी कोविड-19 पेशेंट रह चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने की कृपा करें और लोगों की जान बचाने का कष्ट करें। नाम क्या है? गौरव त्यागी। गौरव त्यागी, हाउ ओल्ड आर यू? 25 इयर्स। 25। आप हमारे यहाँ से कब डिस्चार्ज हुए थे कोविड-19? 7 जुलाई को। आपको सिम्टम्स क्या थे जिसलिए आप यहाँ भर्ती हुए थे? नोज ब्लॉकेज, माइल्ड फीवर एंड देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कितने दिन तक ये फीवर रहा था? फीवर तो स्टार्टिंग में एक दो दिन ही रहा था, बट लास्ट में आके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गया था। आपको जो ये कैसे सोचा है कि हम औरों की भी हेल्प करें, अब हम बीमार हो चुके हैं तो दूसरों की भी हेल्प करें? जॉब ही, आई एम सिविल सर्वेंट, तो कम्स बाय नेचर। आप पढ़ते थे तो इससे आपको पता है कि आपको इस जो प्लाज्मा देने से कितने मरीजों को फायदा होगा जो कि सीरियस हो जाएंगे कोविड के? आपने बताया दो लोगों को फायदा होता है, तो ये हम लोगों को आगे आना चाहिए जिसको जरूरत है, ये तो कैसे काम चलेगा? डेफिनेटली हम लोगों को आगे आना चाहिए। अभी आपने जो ये भी प्लाज्मा डोनेट किया तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई इशू तो नहीं है, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं उसी टाइप से ही फील हो रहा है। तो आप पहले भी दे चुके हैं ब्लड? हाँ, मैंने पहले दिया। कितने साल पहले दिया था आपने? ऑलमोस्ट 4 साल पहले दिया था। हाँ, तो उसमें बस टाइम कम लगा होगा, इसमें टाइम ज्यादा लगा है, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुसलमानों को भड़काकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं भाजपा विधायक। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा बकरीद पर अपने बच्चों की कुर्बानी वाले बयान को लेकर संबल से समाजवादी के सांसद डॉक्टर शफीक रहमान वर्क ने कहा कि भाजपा विधायक मुसलमानों को भड़काकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। अपने बच्चों की कुर्बानी वाला बयान गैर जिम्मेदार बयान है। अगर अल्लाह ये हुक्म देता है कि मुसलमानों को बकरीद पर अपने बच्चों की कुर्बानी करनी है तो मुसलमान अपने बच्चों की कुर्बानी भी करता, लेकिन जिस तरह से भाजपा विधायक ने बयान दिया है कि यदि कुर्बानी करनी है तो अपने बच्चों की करें, ये बयान बिल्कुल गलत है। सरकार इसको संज्ञान में लेकर कार्यवाही करे। वहीं चीन के मुद्दे को लेकर भी सांसद ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो देश का मुसलमान वहाँ भी अपनी कुर्बानी देगा, लेकिन ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि चीन हमारे देश के किसी भी हिस्से पर कब्जा करे। सांसद जी, लोनी से भाजपा के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, लोनी से भाजपा के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने एक बकरीद को लेकर एक बयान जारी कर दिया है कि लोग इस बार कुर्बानी ना कर करके अपने बच्चों की कुर्बानी करें, तो इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मुझे अफसोस है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये भड़काऊ बयान, इस किस्म का अगर जिम्मेदाराना बयान है ना, इसका हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है, हमें तो अल्लाह ने हुक्म
उन जानवरों पर जो कुर्बान किए जा सकते हैं उनकी कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, ये बात लाकर कि अपने बच्चों, अगर अल्लाह ताला हमें ये भी हुक्म देता कि मुसलमान ईद के मौके पर अपने बच्चों की कुर्बानी करे तो मुसलमान बच्चों की भी कुर्बानी करता अपनी, लेकिन ये बात ये कहना बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है, ये माहौल को बिगाड़ने की बात है। इसलिए मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो इस सिलसिले में मुनासिब कदम उठाए और मुनासिब कार्रवाई करे, जो उन्होंने ये गैर जिम्मेदाराना और माहौल को बिगाड़ने के लिए और हालात हिंदुस्तान के हालात ख़राब करने के लिए जो ये बयान दिया है, वो इस पर देखे और जिम्मेदारी से और इसको इस पर कार्रवाई करे, मैं ये चाहूँगा। वेतन न मिलने पर पंचायती राज सफाई कर्मचारियों का जिलाधिकारी को ज्ञापन। उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ द्वारा गांधीवादी तरीके से मुरादाबाद जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आगामी त्योहारों के चलते अपने वेतन को जल्द देने की मांग करी है। प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जसपाल वाल्मीकि ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में अपना अहम योगदान दे रहे पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारी अपना कार्य पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ पावन पर्व आने वाले हैं जैसे ईद और रक्षाबंधन, इन त्योहारों पर सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन मिल जाए, इस बात को लेकर सफाई कर्मचारियों की तरफ से ये ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से जसपाल सिंह वाल्मीकि, दिनेश कुमार राही, अमरजीत सिंह काका, राहुल सेवक, ललित कुमार, संजय कुमार, राम अवतार, जय शंकर सैनी आदि लोग मौजूद। मेरा नाम जसपाल सिंह वाल्मीकि है और मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ का संस्थापक और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष में इस समय मौजूद। आज जो जिलाधिकारी महोदय मुराद को ज्ञापन दिया गया है वो पावन पर्व रक्षाबंधन और ईद उल फितर के उपलक्ष्य में वेतन हमारा त्यौहार से पहले दिया जाए, इस उपलक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मेरी हमारी जो मुख्य मांग वो यही है कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमारा पंचायत राज विभाग का सफाई कर्मचारी दिन प्रतिदिन रात दिन एक कर करके इस कोरोना महामारी से लड़ रहा है, परंतु विभाग द्वारा जो एक पावन पर्व रक्षाबंधन होता है, पावन पर्व ईद उल फितर है, क्योंकि हमारे विभाग में मुस्लिम भाई सफाई कर्मचारी भी हैं और हिंदू भाई भी सफाई कर्मचारी हैं और दोनों ही पर्व एक साथ आगे पीछे पड़ रहे हैं, तो मेरा शासन से और माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि पावन पर्व ईद उल फितर और पावन पर्व रक्षाबंधन से पहले हमें वेतन दिया जाना न्यायहित होगा। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने SSP को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगामी त्योहारों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक ज्ञापन हस्तगत कराया। ज्ञापन में कहा गया कि आगामी त्योहारों के मौके पर प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था को मुख्य रूप से देखा जाए, आगामी ईद पर प्रतिबंधित पशुओं को कुर्बानी के लिए न काटा जाए और सड़कों पर उनके अवशेष न फेंके जाए, इससे समाज में गलत संदेश जाता है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों सड़कों पर किसी प्रकार की कोई कुर्बानी न दी जाए एवं किसी प्रकार की नई परंपरा का निर्माण ना हो सके। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पुलिस फोर्स की अतिरिक्त व्यवस्था कर शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए पुलिस गश्त को बढ़ाया जाना भी समाज के हित में आवश्यक है। जैसा कि 1 तारीख को ईद है और देखने में आता है ईद पे करोड़ों पशुओं की कुर्बानी त्योहार के नाम पे दी जाती है, उस कुर्बानी में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी भी दी जाती है। जैसे गाय को हिंदू समाज माता के रूप में पूजता है, आराध्य मानता है, ऐसी गौ माता की कुर्बानी भी ईद पर दी जाती है। अभी फिलहाल में देखने में आया कि कटघा थाना के क्षेत्र कोट में और भोजपुर में 100-150 गौवंश कटे नदी में बहते पाए गए। हमने आज DM साहब को और कप्तान साहब को ज्ञापन दिया है कि ईद पर गोहत्या ना हो, गोहत्या पर तत्काल रोक लगे और हमने ये भी कहा है कि जो गौशालाएं फर्जी तरीके से चल रही हैं और गाय को बेच रही हैं ऐसी गौशालाओं पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए।
जनपद संभल के चंदौसी में ऑल इंडिया उलेमा एवं मशाइक बोर्ड के सदस्यों ने ईद को लेकर युवाओं को ज्ञापन सौंपा। ईद का त्यौहार आने वाला है, इसी को देखते हुए जनपद संभल के चंदौसी में ऑल इंडिया उलेमा एवं मशाइक बोर्ड के सदस्यों ने एकत्रित होकर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजकुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ईद उल अजहा के त्यौहार पर सफाई व्यवस्था तथा पानी की व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने की मांग की, जिस पर अधिशासी अधिकारी राजकुमार सिंह ने दो विभागों से बात करके उनकी समस्याओं के समाधान की बात कही है। नगर पालिका परिषद में यूथ आपको ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? आज ऑल इंडिया उलमाए मशाइख बोर्ड के सदस्यों ने ईद के मद्देनजर, ईद उल अजहा के मद्देनजर यूथ साहब को सफाई व्यवस्था और पानी सुचारू रूप से चालू रहे ईद पर इसका ज्ञापन दिया है। उसमें ईओ साहब से मांग की है कि ईद उल अजहा का त्यौहार जो है वो 3 दिन का त्यौहार है, उसमें अक्सर जो है वो जो गाड़ी होती है नगर पालिका की वो 11 बजे आती है कूड़ा वगैरह उठाने, तो उसमें ये मांग करी गई है कि सुबह 7 बजे से कर्मचारी जो हैं वो लगा दिए जाएँ ताकि सफाई व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चालू रहे। इसके अलावा जारी गेट जो ट्यूबवेल कॉलोनी है उस पर ट्यूबवेल जारी गेट वाला उस पर जो है जनरेटर की व्यवस्था की जाए ताकि बिजली ना होने की वजह से पानी जो है वो कंटिन्यू आवाम को मिलता रहे। नज़र कुछ व्यापारियों ने आपको एक ज्ञापन दिया है, उसमें क्या मामला था? सफाई व्यवस्था को लेकर जो ओज निकलती है उसको जो है जल्दी से जल्दी जो है हटवाने के लिए बात आई थी, साथ ही साथ एक नलकूप के लिए ये आया था कि अलग से जनरेटर की व्यवस्था रहे जिससे जो है पानी निर्बाध रूप से मिले उन्हें, तो इसको लेके मैंने दोनों विभागों से जो है अभी तुरंत का तुरंत। संभल सदर के शहर इमाम ने कोरोना महामारी के चलते सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार ईद उल अजहा का त्यौहार मनाने की अपील की। इस समय कोरोना नामक वैश्विक बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, अब इसमें मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं ने सहयोग करते हुए लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी के चलते मुसलमान ईद उल अजहा का त्यौहार मनाएं और लॉकडाउन का भी पालन करें, महफूज मकाम पर ही कुर्बानी करें और जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत दें। نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم میں محمد سلیمان اشرف حامدی شہر امام عیدگاہ سنبھل ضلع سنبھل کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے تعلق سے کچھ ضروری معلومات اور قربانی سے متعلق کچھ ضروری احتیاطیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ ذوالحجہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس مہینے کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا شعائر اللہ کو قائم کرنا ہے اور قربانی کا عمل سنت ابراہیمی ہے، جسے امت محمدیہ میں یادگار کی صورت میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے، اور امت مسلمہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی کرتی رہے۔ برادران اسلام، پوری دنیا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ مسلمانوں نے رمضان کا مہینہ کورونا کے سائے تلے بڑے صبر و سکون کے ساتھ گزارا، جبکہ اس وقت کورونا سے متاثر لوگوں کی تعداد تقریباً 2000 تھی، مگر مسلمانوں نے ایک ذمہ دار شہری کے فرائض نبھاتے ہوئے شاسن کی گائیڈ لائن پر عمل کر کے جس طرح مسجدوں میں نمازوں کی ادائیگی سے پرہیز کیا، وہ خود اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ مزید مسلمانوں نے اپنی دانشمندی اور معاملہ فہمی کا جو سب سے بڑا نمونہ پیش کیا، وہ عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں نہ پڑھ کر نماز چاشت اپنے اپنے گھروں میں ادا کر کے کیا۔
अब जबकि ईद कुर्बान का त्यौहार 1 अगस्त बरोज हफ्ता मनाया जाएगा, कोरोना की महामारी अपने शबाब पर है और यूपी में हफ्ता व इतवार को लॉकडाउन भी रहता है। हमारे जिले में कोरोना से मुतासिर लोगों की संख्या लगभग 1000 तक पहुंचने वाली है। मरीजों की ज्यादती की वजह से शहर संभल में स्थापित आरजी हॉस्पिटल भी नाकाफी हो गए हैं। इन हालात के चलते कुर्बानी के ताल्लुक से मुसलमान परेशान हैं कि किस तरह कुर्बानी हो, हालांकि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने कुर्बानी के ताल्लुक से जो गाइडलाइन जारी की है उसमें मस्जिदों में चंद लोग फिजिकल डिस्टेंस के साथ ईद उल अधा की नमाज अदा कर सकते हैं। अब जरूरत है कि एक मर्तबा फिर सारे मुसलमान एक जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करें और ईद उल अधा की नमाज मस्जिदों में सिर्फ 5 लोग ही पढ़ें और बकिया लोग अपने अपने घरों में नमाज चाश्त अदा करें।